अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे चाइना के मोबाइल का बैटरी टर्मिनल चेंज करने का तरीका। ये हमारे पास एक मोबाइल है, आज हम इसका बैटरी टर्मिनल चेंज करेंगे। सबसे पहले हम हीट गन का स्विच ऑन करेंगे और ट्यूदर के साथ बैटरी टर्मिनल को पकड़ेंगे और हीट गन के साथ बैटरी टर्मिनल को हीट देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, हमारा बैटरी टर्मिनल उतर चुका है। इसके बाद हम MBC के साथ पॉइंट्स को साफ करेंगे। अब हम काविया लेंगे और काविये के साथ पॉइंट्स पर सोल्डर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम बारी बारी करके तीन पॉइंट्स हैं, पहले एक पॉइंट पर सोल्डर लगाएंगे, फिर दूसरे पर और फिर तीसरे पर। ये आप देख सकते हैं हमने सोल्डर लग चुका है। अब हम बैटरी टर्मिनल को लेंगे और बैटरी टर्मिनल को उसके ऊपर पहले एडजस्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। बैटरी टर्मिनल के पहले पॉइंट को सोल्ड कर देंगे, जिस वजह से अब हमारा बैटरी टर्मिनल नहीं हिलेगा और हम इजी होके काम कर सकते हैं। ये देखें, अब हमारा बैटरी टर्मिनल एक जगह पे एडजस्ट हो चुका है पॉइंट बाय पॉइंट। अब हम सोल्डर इसमें भरेंगे। देखें, पीछे से हम सोल्डिंग वायर को लाएंगे और काविये की मदद से उसके ऊपर सोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये हमारा पहला पॉइंट सोल्ड हो चुका है। इसके बाद इसी तरह ये दूसरा पॉइंट सोल्ड करेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैटरी टर्मिनल सोल्ड हो चुका है। अब हम ऐसे ही, ये हमारा पीछे से ही बैटरी टर्मिनल सोल्ड हो चुका है। अब हम इसकी अगली वाली साइड से ऐसे ही सोल्डर को पॉइंट्स पर रखेंगे और काविये के साथ उसको वहां सोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, अब ये आगे से मजबूत हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैटरी टर्मिनल चेंज हो चुका है। उम्मीद है आपको सब चीज़ें ठीक से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।